कीड़ा काट रहा है यहाँ पर। पहला सवाल, हाँ पूछ। आपके मम्मी पापा कैसे माने? मूड खराब होना, फिर वीडियो नहीं बना रही है, फिर कुछ न कुछ नाटकबाजी। वैसे भी पार्लर तो चली जाती है, रूपल पूरा दिन सोती है। भाई अम्मा, इसमें रोने की क्या बात है? Hi guys, welcome back to my channel and I am back with another vlog. As you guys already know that I am moving out from my home and अगर आपने just पहले वाला video नहीं देखा है जहाँ पे मैंने अपना सारा empty house tour दिखाया था तो please जाके देख लेना। Tomorrow is the day when I'll be moving out. So आज का दिन है जो बहुत ज़्यादा hectic होने वाला है because मैंने कुछ भी packing नहीं करी है। मैं इतने दिन से procrastinate कर रही हूँ कि ठीक है बाद में देखते हैं। फॉर सम रीज़न आप लोगों को बहुत वियर्ड लगेगा बट मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे शिफ्ट होना है, बट जैसे जैसे यू नो दिन बीत रहे थे ये शिफ्टिंग वाला दिन पास आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। एंड पैकिंग करने के नाम से मुझे अजीब सा थोड़ा लग रहा था, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही थी। आपको शायद लग रहा होगा कि इतने टाइम से बोल रही है कि शिफ्ट होना है और फिर अभी इतना क्या बुरा लग रहा है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। मेरे को जो फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैं कॉमेंट्स देख रही थी, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, ये डाउट्स हो रहे हैं कि मैं क्यों शिफ्ट हो रही हूँ, मैं शिफ्ट हो भी रही हूँ तो मैं घर के एकदम पास क्यों हो रही हूँ, व्हाट्स द रीज़न। देखो द थिंग इज़ आई ऑल्सो नो दैट, आप सबको भी पता है, दिस गोज़ विदाउट सेइंग, घर से ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस जिंदगी में कभी कोई हो ही नहीं सकता। आपका अपना घर जहाँ आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब है। बट गाइज आई पर्सनली वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। देर वॉज अ फेज इन माई लाइफ जहाँ पे मुझे चाहिए था कि मैं घर पे ही रहूँ, मुझे घर से बिल्कुल भी एक कदम बाहर नहीं रखना है। मुझे पर्सनल ग्रोथ कहीं पे रुकी हुई सी लग रही थी एंड दैट्स द रीज़न दैट आई वांटेड टू मूव आउट। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इट इज़ गोइंग टू मेक मी अ बेटर पर्सन, आई नो दैट। क्योंकि ऐसे बाहर घर लेना और वहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप करना, सारा कुछ मैनेज करना, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है ये। सो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न दीज थिंग्स, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स। हर चीज़ इतनी ईजिली मिल जाती है तो लाइफ भी थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। एंड येस आई फील अगर मेरे पास ऑप्शन है बाहर जाने का, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ देन वाई नॉट। एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैंने घर के पास लिया है कि जब भी मेरा मन करे मैं घर पर आ सकती हूँ। मैं ऐसा कोई आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माई होम, वीकेंड्स में ऑफकोर्स मैं घर पर ही आया करूँगी तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड कोई भी बोर नहीं होने वाला है मेरे घर पर, ट्रस्ट मी। ऐसा आपको लग रहा है कि मम्मी पापा दादी बहुत बोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती है पूरे दिन से लेकर, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, रात में भी किसी किसी के घर पे काम चल रहा होता है। जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसे नॉइज़ के बीच में बैठ के वीडियोज़ बनाना। एंड ऑल्सो यस, मेरी बहन शी वर्क्स इन नोएडा, उसका जो ऑफिस है वो नोएडा में है एंड हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। मुझे नहीं पता मैंने आज तक कभी बताया या नहीं, बट वी लिव इन ग्रेटर नोएडा एंड उसको ट्रैवल घर से वहाँ तक जाने में मेट्रो से, पहले वो स्कूटी से जाती है, फिर वो मेट्रो से जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से पता नहीं शायद बाइक करती है, क्या करती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है उसके लिए, उसका पूरा दिन का 3 घंटे का ट्रैवल हो जाता है, प्लस उसको फिर खुद के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता। सो शी वॉज ऑल्सो प्लानिंग कि उसे कहीं ऑफिस के आसपास ही चाहिए था। सो इट्स गुड कि हम दोनों साथ में रहें इंस्टेड ऑफ वो कहीं पीजी वगैरह में रहे। सो इट्स बेटर कि हम लोग साथ में रहें और अच्छे से रहें, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हम दोनों ही साथ में रह गए। मैं सिर्फ 6 महीने के लिए जा रही हूँ, 6 महीने बाद आई विल बी बैक, जो मैंने सोचा हुआ है ऑफकोर्स, और बाकी आगे का देखते हैं। इतनी कोई लंबी मेरी प्लानिंग है नहीं है, घर के पास रहती हूँ, सो इट्स ऑल गुड। एंड मेरे घर पे भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल फाइन। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऐसे बाहर रहना, आई एम श्योर कि मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस गाइज, ओके। जैसे ना और भी चीजें होती है, नींद आ रही है। तो बस यही सारी बातें थी, इतना कुछ खास था नहीं। आप मेरी थोड़ी हेल्प करा दो शिफ्ट करने में, मूवर्स एंड पैकर्स से मेरी बात हो गई है, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं वो, बट ठीक है कोई बात नहीं। और क्या है, मूवर्स एंड पैकर्स हो गया और भी इतने सारे काम है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट फर्लेंको, वहाँ से मैंने सारा जो भी फर्नीचर था, मेन फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें रेंट पे ले लिया है, तो वो भी कल आएंगे। कल मुझे अपनी भी शिफ्टिंग करनी है, प्लस वाईफाई लगवाना है, मैट्रेसेस खरीदनी है, सो काफ़ी चीज़ें हैं सीरियसली जो मुझे खुद से करना है। कल का दिन बहुत ज़्यादा अजीब सा होने वाला है, आई नो दैट, वो भी इतनी गर्मी में, सीरियसली। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैकिंग एंड ऑनेस्टली बताऊँ मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मेरे इतने कपड़े हैं और मुझे यहाँ से वो सारे कपड़े लेके जाने हैं जो मैं अपना थ्रिफ्ट स्टोर, आई नो मैंने बहुत टाइम से बोला है कि मुझे थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करना है, और ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैव सो मेनी क्लोथ्स नाउ।
तो मुझे यहाँ से वो लेके जाना है ताकि मैं वहाँ से ये काम भी स्टार्ट कर सकूँ। My makeup is sorted. Done. Finally. पेड़ पौधे। मम्मी इस गैस की हालत देखना, आप मुझे ये देने वाली हो? बोलो ये लेके जाओ सच में। ले जा। कोई नहीं, वीडियो नहीं बना पाऊंगी। कैसे बन जाएगी ये देखना, कैसा है ये? एकदम बढ़िया है। अच्छा। कितने साल पुराना है? जितने साल की तू है उतने ही साल का है। तो ये मतलब 20 साल का है? 20 साल की है। 26-27 साल का है। सच बताओ? सच्ची बता रही। बॉम्बे में लिया था मैंने, नेवी नगर में गोल कैंटीन से। चलो ठीक है, इससे काम चला लेंगे। दीदी प्लीज ये दिखाइए। तो तुझे कपड़े चेंज करके आने चाहिए थे यार। तुम लोग मेरे व्लॉग में अच्छे बन के नहीं आते, सबके घर वाले इतने अच्छे से बन के आते हैं। आवाज में बात कर रहे हो, कपड़े क्यों पहनती है ये? कितना हाथ खराब हो जाता है। अरे 60 हो तो है एसी। कहां से आ गई है? तुझे लाइट नहीं दिख रही ग्रीन? थोड़ा टाइम दो उसको। जस्ट चेयर चेयर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। मैं बोल के गई थी कि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं बहुत लंबे ब्रेक पे चली गई थी। आपके कुछ लोगों से सवाल थे, नहीं सॉरी, आपसे कुछ लोगों के सवाल थे, तो मैं आपसे वो सवाल करना चाहती हूँ। वेट, चलो कैमरा रोलिंग, एक्शन। अरे कीड़ा काट रहा है यार। समझ में आया मैं क्यों नहीं दिखाती अपनी फैमिली को? समझ में आ गया होगा। पहला सवाल। हाँ पूछ। आपके मम्मी पापा कैसे माने? मानने में क्या है? मतलब पूरा सवाल ये है कि मम्मी पापा कैसे माने और सेम शहर में कैसे मान गए? दूर होता तो समझ में आता, पर पास है। अरे मतलब शिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए आपके मम्मी पापा कैसे मान गए सेम शहर में? हाँ तो पारुल को तो मैं पहले से ही बोल रही थी। पारुल को कोई नहीं जानता है, उसका नाम विशाखा है। तो पारुल को तो मैं पहले से ही बोल रही थी कि शिफ्ट कर ले, रात हो जाती है और सुबह भी भागम भाग रहती है, तो मैं तो बहुत पहले से मतलब मैं बता दूं उसकी जॉब है इसलिए उसको लेट हो जाता है। तेरा भी यहाँ काम नहीं हो पा रहा था, आवाज आ रही थी मशीन की खैं खैं फैं, तो फिर तेरा चिड़चिड़ापन होता था, फिर मूड खराब होना, फिर वीडियो नहीं बना रही है, फिर कुछ न कुछ नाटकबाजी। तो कोई नहीं, कहीं लंदन में नहीं हो, पास में ही हो। आपका सिंदूर ऐसे बहकता हुआ आ रहा है नीचे, पसीना है। ये बताओ आपको क्या लगता है कि ऐसे घर से शिफ्ट होना गलत बात है? अब देखो मेरे हिसाब से गलत, सबका अलग अलग है, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। काम है, काम के लिए जाना पड़ेगा। मैं तो अपने पैसे खर्च कर नहीं रही हूँ। क्या ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग मेरे से मांग रहे हो, मुझे दुखी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं है। काम के लिए बाहर जाना भी पड़ता है, घर में बैठ के थोड़ी ना काम होगा। हर फ्राइडे पारुल आई जाए करेगी, ये और उपल भी आएगी, दोनों ही आ जाएंगी, दोनों साथ में रह रही हैं। छोटी बच्ची तो है नहीं है, बड़ी है। वैसे भी पारुल तो चली जाती है और उपल पूरा दिन सोती है, ये अपना काम करती है, तो मैं तो अकेली ही रहती, ये दोनों रहती ही नहीं है, रह के भी नहीं रहती है। सही बात नहीं है कुछ भी, रह के भी कहाँ रहती है, शाम को दिखाई देती हूँ। पता नहीं मेरे कपड़ों में से क्या निकाल दिए पागल सी। चलो इसको पहनने में क्या दिक्कत है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ क्या नहीं पहनती, कितना गंदा टॉप है मम्मी। पागल है क्या तू, कितना अच्छा दिख रहा है। मेरी चड्डियां पहन पहन के मत आओ मम्मी। शेरी शेरी लेडी। अलमारी पूरी खाली करती और जो हमें कपड़े चाहिए थे वो मैंने यहाँ निकाल दिए। कल सुबह जो बॉक्सेस लाएंगे मूवर्स एंड पैकर्स वाले, उसमें ये सारे डाल दूंगी। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गुड नाइट, बाय, शब खैर, कल मिलते हैं, बाय। पूरा खाली हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी यहाँ पर आके बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जितना सामान लोड होना था वो सारा लोड हो चुका है,
और अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं. ऑनेस्टली ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा. आई एम जस्ट फीलिंग वेरी लो राइट नाउ. अभी हमारे साथ मम्मी पापा मेरा भाई हम सब जा रहे हैं. बाय अम्मा. इसमें रोने की क्या बात है. हाँ चलो चलो. हेलो हेलो. तेरे हाथ में आ गया मैं. आज मैंने पूरे दिन से कुछ भी व्लॉग नहीं किया यहाँ पर. ओ वाओ पीछे व्यू देख कितना अच्छा आ रहा है बारोल. सो गाइस हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है. दिन में तो मम्मी पापा आए थे उन्होंने सारा शिफ्ट कराया. उसके बाद पारुल निकल गई थी ऑफिस के लिए और मैं मम्मी पापा के साथ वापस घर चली गई थी. फर्स्ट डे था तो ऐसे मुझे दिन में अकेला अकेला थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैं भी घर पे निकल गई थी. और घर पे जाके फिर इधर थोड़ा बहुत जो काम करना था वो भी कर लिया था. मैट्रेस लेनी थी नई तो वो बनवाने के लिए ऑर्डर डाल दिया है. एंड घर से मैं टेम्परेरी गद्दे लेके आ गई हूँ जो आज हम बिछा के जमीन पे सोने वाले हैं. अच्छी है लाइटिंग यार. मैं तेरे रूम में शूट क्या करूँगी. एंड ऑल्सो बताया मेरे को ना एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है. यहाँ से जब मम्मी लाइट ऑफ करते हैं ना तो मुझे पता नहीं थोड़ा सुकून सा लगा. ये देखो वाओ पारुल देख. देखो रात में तो अलग ही मज़ा आ रहा है. ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड माय सवाना पार्सल तो आपको सवाना हॉल जल्दी देखने को मिलेगा. इसमें भी होगा हमारा पहला घसी का सामान. सॉर्टेड. I've changed my outfit. ये जो मेरा रूम है ये तो गंदा है बट पारुल का रूम मेरी बहन का रूम हमने साफ कर दिया है. और नीचे जो टेम्प्रेरी गद्दे हैं वो बिछा दिए हैं. मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है. मैं सोने के लिए तैयार हूँ. बस दैट्स इट गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आज हमारे इस घर में पहली रात है. कल हमारा इस घर में पहला दिन होगा और कल ये तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाएगी. मैं कल पूरे दिन अकेले इस घर में स्पेंड करने वाली हूँ. बहुत सारा काम है. सारा अनपैक करना है. अपना वार्डरोब सेट करना है. मेरे को अपना रूम ठीक करना है. एंड ऑल्सो कल हमारा सारा फर्नीचर आ जाएगा. हमारे दो बेड्स रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन आर ओ साइड टेबल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. प्लस जो मैं घर से तीन कर्टेंस लेके आई हूँ वो मैं लगा दूंगी. एंड बाकी इस घर के और काफ़ी सारा सामान ऑर्डर करना है. बट कल हम इस घर को थोड़ा रहने लायक बना देंगे. आज बस हमें थोड़ा ज़मीन पर एडजस्ट करना पड़ेगा. और सो जो हमारे मैट्रेस है जो बेड्स के साथ जो बेड पर लगेगा वो हमारा फ्राइडे को डिलीवर होगा. सो फ्राइडे तक वील हैव टू एडजस्ट ऐसे ही करके. बट इसमें भी एक अलग फन है ऑनेस्टली. इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बाकी रात में पता चलेगा सोते वक्त. बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ मेजर लग नहीं रहा. अब मैं आपसे कल सुबह उठ के आराम से बात करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. अभी मैं जा रही हूँ मस्त सोने के लिए. बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. आई एम टायर्ड AF. सो बाय गाइस सी यू सून. गुड नाइट.